राजस्थान सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राजस्थान के किसान अपने खेत के चारों ओर तारबंदी करवा सकते हैं। आवारा पशुओं के द्वारा किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे किसानों की अधिकतम फसल खराब हो जाती है। इसलिए आवारा पशुओं से किसानों की खेती को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। तो आइए राजस्थान तारबनी योजना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। इस योजना का लाभ लेने वाले किसान के पास 1.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। इस तारबनी योजना के तहत किसान के लागत मूल्य का 50% या फिर अधिकतम 40,000 रुपये तक का योगदान दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अधिकतम 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इस योजना के तहत किसानों को जो राशि मिलेगी वो उनके अकाउंट में सीधी डिपॉजिट कर दी जाएगी। तो आइए जानते हैं कि इस तारबंदी योजना के आवेदन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट या दस्तावेज जरूरी है। आवेदन करने वाले का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और अपने बैंक की डायरी। इसके अलावा आपके खेत की जमाबंदी जो 6 महीने से अधिक पुरानी ना हो, और साथ ही एक मोबाइल नंबर जो चालू हो और आपके आधार कार्ड में लिंक भी हो। इसके अलावा आपको इस योजना में वही अकाउंट नंबर लिंक करवाने हैं जो नंबर आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लिंक करवा रखे हैं। तो आइए जानते हैं कि किसान इस तारबनी योजना की अप्लाई कैसे करें। इस योजना की अप्लाई करने के लिए आपको राजस्थान तारबनी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर आपको राजस्थान तारबनी योजना का एक फॉर्म दिखाई देगा, उस फॉर्म को भरकर सबमिट पर क्लिक करना है। इसके अलावा आप नज़दीकी सीएससी सेंटर या इमित्रा पर जाकर भी इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो अपने किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। जय हिंद।